करेंगे, बड़ा शुभ दिन है आज। यार मेरे दिन की तो शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है। शुरुआत हुई जो फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री है दादा साहब फाल्के साहब की, आज पुण्यतिथि थी, वहाँ उनके दर्शन करके आई हूँ, उनको फूल माला चढ़ा के आई हूँ। जब उनका आशीर्वाद लिया है तो दिन अच्छा ही जाएगा, बिकॉज ही इज़ अ फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। और उसके बाद अब यहाँ आई हूँ ब्रह्मकुमारी, यहाँ पे इनका जो है आश्रम है, ये लोग अच्छा सिखाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। और अभी 2 मिनट का उनके साथ एक मेडिटेशन का उनका था। द बेस्ट पार्ट वॉज कि उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि आफ्टर फ्यू डेज विल रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे स्पीकर बन जाएं एंड यू स्टार्ट गिविंग द लेक्चर्स, एंड बिकॉज दे हैव सेट पॉइंट्स यू नो हाउ टू क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी। चूँकि मैं इन चीज़ों से बहुत जुड़ी हुई हूँ, अब से जुड़ी नहीं हूँ, मतलब कई सालों से यही काम करती हूँ, एनजीओज हैं या कोई और बहुत सी सोशल एक्टिविटीज़ करती हूँ जहाँ मुझे जाके घंटों बोलना पड़ता है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब। सो वेन दे वर टॉकिंग टू मी एंड दे वर सो प्लीज्ड, दे फेल सो हैप्पी, दे सेड कि बड़ा अच्छा होगा, हम इसको एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर लेके जाना चाहते हैं और हमें यूँ लगता है कि अगर आप हमसे जुड़ती हैं तो हम इसे बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, हम आपसे रिक्वेस्ट करें थोड़े दिन के अंदर ही कि दैट आप हमारे यहाँ स्पीकर बन जाएं। सो आई से इट्स एन ऑनर, क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम होता है, आई एम ऑलवेज विलिंग टू हेल्प पीपल, ऑलवेज विलिंग टू डू गुड फॉर द वर्ल्ड, फॉर द नेशन, फॉर द एंटायर यूनिवर्स। इफ़ आई कैन बी इवन दिस मच ऑफ अ हेल्प टू दिस यूनिवर्स, आई थिंक आई विल बी द ग्लैडेस्ट पर्सन एवर इन दिस वर्ल्ड, यू नो। क्योंकि इंसान ना तो कुछ लेके आता है ना ही कुछ लेके जाता है, ये अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन मेरा यूँ कहना कि हम लेके तो नहीं आते हैं लेकिन भाग्य ज़रूर लेके आते हैं, ऐसी मेरी सोच है जो थोड़ी सी लोगों से अलग है। और ना ही कुछ ले जाते हैं, इस सोच से भी थोड़ी सी मैं अलग हूँ, क्योंकि जब आप जाते हैं तो अब साथ में बहुत से अच्छे विचार, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं वो आप साथ लेके जाते हैं। तो ये चीज़ें दो हैं जहाँ मैं, ये मुझे लगता आज तक किसी ने इस बात को माना नहीं, लेकिन मेरी सोच ऐसी है एंड आई थिंक आई एम राइट। खाली हाथ पैसे को मत सोचिए, आप रिश्तों की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने भाग्य साथ लेके आते हैं। अपने कर्म आप कर सकते हैं लेकिन जो बेसिक भाग्य है वो तो आप वहाँ से लेके आ रहे हैं अपने साथ। और जब जा रहे हैं तो कुछ अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छे दोस्तों के प्यार मोहब्बत आप साथ लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये 4-6 जो बातें की हैं उसी से बहुत मुतासिर हुई हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ रीज़न परहैप्स दे ऑफर्ड मी दिस एंड आई एम मोर देन विलिंग टू हेल्प देम आउट।